हेलो फ्रेंड्स, धाकड़ फूड एंड फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं वेज आटा टिक्की। ये बहुत ही हेल्दी और आसान रेसिपी है। आप ब्रेकफास्ट और लंच दोनों में खा सकते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये दो कटोरी गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम ये दो मेश किए हुए उबले हुए आलू हैं, इनको डाल देते हैं। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें थोड़ा सा आधे टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। और मिलाते हुए थोड़ा थोड़ा पानी लेके एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालें आप, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालें, नहीं तो हमारा जो आटा है वो एकदम गीला हो सकता है और फिर आटे की टिक्की अच्छे से नहीं बनेगी। तो हम थोड़ा थोड़ा आटा लेके एक से सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो अच्छे से दबा दबा के आटे को मसल लेंगे हम, अच्छे से सॉफ्ट डो बनाएंगे। तो ये हमारा आटा है, हमने गूंथ लिया है। इसको हम आधे घंटे के लिए ढक के साइड में रख देते हैं जिससे कि आटा फूल के सेट हो जाए। अब हम टिक्की के लिए फिलिंग रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ली है, बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी लिया है, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है, बारीक कटा हुआ बीन्स, बारीक कटा हुआ एक मीडियम साइज़ का प्याज और एक बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है। साथ ही यहाँ पर हम डाल देंगे दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, तो हरी मिर्च को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और एक बारीक कटा हुआ धनिया। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक। तो नमक आप बहुत पहले नहीं डालें, नहीं तो सब्जियों में से पानी जो है सब्जियां पानी छोड़ देगी और हमारी टिक्की एकदम गीली बनेगी। तो आप नमक जो है लास्ट में डालें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस फिलिंग को अच्छे से चलाते हुए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ पे आटा हमारा अच्छे से फूल के सेट हो गया है। हम इसको अच्छे से हाथों से थोड़ा और दबा के अच्छे से गूंथ लेते हैं। तो ये आटा हमारा अच्छे से फूल के सेट है। अब हम आटे के दो पोर्शन कर लेते हैं। तो एक पोर्शन को हम अभी यूज़ कर लेते हैं बनाने के लिए और एक और को बाकी बाद में। तो ये प्लेटफॉर्म पे हमने थोड़ा ऑयल लगा दिया है। आप चाहे तो इसको पटले पे या किसी पे भी बेलना चाहे उस पर बेल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा तेल लगा दिया है। अब हम इस पर, ये लोई रेडी है तो हम इसको बेल लेते हैं। तो हम इसको बहुत पतला नहीं बेलेंगे, मोटा ही बेलेंगे और रेक्टेंगल शेप में, लगभग रेक्टेंगल शेप में इसको बेलेंगे। बहुत पतला नहीं करना है, नहीं तो टिक्की फट जाएगी। ये इसको हमने बेल के रेडी कर लिया है। अब हम इसमें सब्जियां डाल देंगे, जो फिलिंग हमने रेडी कर रखी है वो डाल देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके इसको अच्छे से इसके ऊपर बिछा देंगे। तो ये हमने बिछा दिए, वो थोड़ी स्पून की हेल्प से इसको दबा देंगे जिससे कि आटे में अच्छे से चिपक जाए और निकले नहीं। तो ये हमने रेडी कर लिया। अब किनारों को उठा के हम इसको एकदम रोल करेंगे। तो हाथों को चलाते हुए किनारे से उठा के इसे रोल कर लेंगे। तो ये रोल कर लिया हमने इसको अच्छे से। अब नाइफ़ की हेल्प से हम इसको छोटे छोटे पोर्शन में कट कर देंगे। तो इस तरीके से आप कट कर लें। अब हम एक एक के उठा के ऐसे टिक्की बना लेंगे। तो ये बहुत अच्छे से टिक्की बन रही है, देखिए आप। तो ऐसे सारे पोर्शन को हम उठा के ऐसे टिक्की बना लेंगे। आप चाहें तो अपनी पसंद की और भी कोई सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। तो ये बहुत स्वादिष्ट लगता है और बहुत टेस्टी लगता है। सारी टिक्की हमारी बनके रेडी है। यहाँ पे गैस पे हमने दो टेबल स्पून ऑयल डाला है। ज़्यादा तेल हमको नहीं डालना है, तो ऑयल गर्म हो गया, हम टिक्कियाँ इस पे रख देते हैं। तो सारी टिक्कियों को हम इस पे रख देंगे जितनी की तवे में आ सके। और अब हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लेंगे मीडियम फ्लेम पर। पलट के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। तो सारी टिक्कियों को हम ऐसे पलट देंगे। बहुत अच्छे से सिक गई हैं। तो दूसरी साइड भी हम इसको बहुत अच्छे से ऐसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो चेक कर लेते हैं, दूसरी साइड भी हमारी अच्छे से सिक गई हैं। देखिए बहुत अच्छा कलर आया है, बहुत अच्छे से सिक गई हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसको आप हरी चटनी के साथ या फिर दाल के साथ या फिर कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी उसके साथ सर्व करिए। ये बहुत टेस्टी लगती है और बहुत हेल्दी भी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।